हाय हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ एसपीवी एजुकेशन वर्ल्ड के लिए। टुगेदर वी क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड। आपने सब्सक्राइब किया नहीं तो हमारा चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा चैनल में तो ये तो पहला चैनल है, इसमें तो तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश तरह की फोर लैंग्वेजेस में क्लासेस ले रहा हूँ। मैं हूँ एसपी राजन अलियास एसपी। और आप हमारा चैनल में कुछ ना कुछ तो टॉपिक सीखना है तो आप हमारा प्लेलिस्ट जाकर सीख सकते हैं दोस्तों। और आप हमारे चैनल का एडवर्टाइजर तो आप ही हैं दोस्तों। आपने देख रहे हैं तो आपका फ्रेंड्स फिर ना तो व्हाट्सअप, फेसबुक इसी में तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीलिंगुअल में क्लासेस लेते रहते हैं तो इसका तो फेसबुक तो प्रमोट नहीं, ये यूट्यूब तो प्रमोट नहीं करते हैं दोस्तों। इसलिए तो आप ही प्रमोट करना है दोस्तों। इसलिए आप भी इसमें इस तरह की मेरा इनिशिएटिव में भागी हो सकते हैं दोस्तों। फिर आप हमारा चैनल के लिए तो कंट्रीब्यूट करना है तो इसको इससे ज़्यादा बढ़ना है तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों। और आज का टॉपिक हम देखते हैं ज्योग्राफी का सेकंड क्लास देख रहा है दोस्तों। इस क्लास में तो हम तो इंटीरियर ऑफ अर्थ को धीरे से सभी देख सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। आज तो हमें तो अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर अर्थ का कंप्लीट इंटीरियर देखते हैं। तो हम तो अर्थ का सरफेस में जीवन कर रहे हैं दोस्तों, और इसके अंदर क्या है उसका अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना किलोमीटर अंदर तक जाने के लिए हमारे पास तो कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं। जाने के बिना भी हम उसके उसमें क्या हैं, उसमें क्या डिविजन हैं, उसके कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए तो हमें तो थोड़ा सा एविडेंस मिला है दोस्तों, वो भी सीस्मिक वेव्स है। सीस्मिक वेव्स मतलब ये तो अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं दोस्तों। इस वेव्स को सेंड करने से इसका मिला एविडेंस है हमें फाइंड किया है दोस्तों। सीस्मिक वेव्स के बारे में मैं तो अगला क्लास में ठीक से क्लियरली बताता हूँ दोस्तों। अब हम देखते हैं और अर्थ का कैसा डिविजन्स हुए हैं उसके बारे में सभी टॉपिक हम पढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, इस क्लास में तो हम शेप ऑफ द अर्थ के क्या देखते हैं और लेयर्स ऑफ अर्थ को बारे में देखते हैं। फिर डिसकंटिन्यूस मतलब क्या है और डिसकंटिन्यूस मतलब क्या है वो तो बॉर्डर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो भी अर्थ इंटीरियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। अब तो हम तो लेयर्स के बारे में जानना है तो यहाँ एक बार देख लो दोस्तों, इस इमेज में तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है। टॉप मोस्ट लेयर को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। इस ये तो 0 से 100 किलोमीटर तक होते हैं अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल को मिक्स करके हम कहते हैं लिथोस्फीयर हैं दोस्तों। इसका नीचे वाला होते हैं एस्ट्रोस्फीयर। एस्ट्रोस्फीयर मतलब ये तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो फ्लूइड है, लिक्विड स्टेज में होते हैं थोड़ा सा। और ये तो फ्लो होते हैं, हाई टेम्परेचर में होते हैं, वो भी हाई प्रेशर में होते हैं दोस्तों। इसका नीचे होते हैं मेंटल। उस मेंटल के नीचे तो आउटर कोर तो 2900 किलोमीटर्स अंदर होते हैं दोस्तों। उसका अंदर होता है इनर कोर। और हम धीरे धीरे से अंदर जा रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर जा रहे हैं तो उसका तो टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता रहते हैं और डेंसिटी भी बढ़ते रहते हैं दोस्तों। और इसमें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। यहाँ तो आउटर कोर तो लिक्विड स्टेट में होते हैं और इनर कोर तो सॉलिड स्टेट में होते हैं। हमें तो पता है टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है तो कैसा, और इनर कोर सॉलिड होते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो तो इतना से इतना ज़्यादा लिक्विड होना है। फिर वो क्यों सॉलिड हैं, इसका क्वेश्चन तो एक ही आंसर है दोस्तों, प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, इसलिए अंदर का इनर कोर का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में। वही है दोस्तों, ऐसा के क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज मत होना है। इस इमेज आपने अंडरस्टैंड कर दिया तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है दोस्तों। अब इसमें ठीक से उसका पूरा टॉपिक्स एक बार देखते हैं, शेप ऑफ द अर्थ के बारे में देखते हैं दोस्तों। अर्थ का शेप कैसे होता है, ये तो परफेक्ट सर्कुलर शेप है क्या? नहीं है दोस्तों, ये तो परफेक्ट सर्कुलर शेप ही नहीं, ये तो स्ट्रक्चर कहते हैं ऑब्लेट स्फेराइड, मतलब जियोइड शेप कहते हैं दोस्तों। जियोइड शेप मतलब क्या है, आपने एप्पल कभी खाया है क्या? सब तो खाते हैं दोस्तों। फिर इसके बारे में तो हमें तो थोड़ा सा जानना है। उस वही एप्पल का शेप में तो अर्थ होते हैं दोस्तों, उतना फ्लैट नहीं, उससे थोड़ा अगला मीन्स अच्छा सा होते हैं दोस्तों, थोड़े से फ्लैट। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल में तो अर्थ को ज़्यादा फ्लैट मिलते हैं और इक्वेटर में तो ज़्यादा बल्ज। आपने एप्पल को धीरे से ठीक से देख लिया तो टॉप और बॉटम तो फ्लैट होते हैं, थोड़ा फ्लैट होते हैं, और सेंट्रल पोजीशन में तो इक्वेटर के तरह राउंड शेप में होते हैं दोस्तों। यही हमारा अर्थ का शेप होते हैं दोस्तों। और अब हम पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में आपने पढ़ना है तो पहला तो इमेज सीख लो दोस्तों, इमेज से ही आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाता है। इस इमेज के बारे में हमने एक बार देखा है तो ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है दोस्तों। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब हम तो सरफेस में जीवन कर रहा है ना, वही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं। और ओशन समुद्र के नीचे वाले होते हैं ओशनिक क्रस्ट हैं दोस्तों। ओशनिक क्रस्ट तो बसाल्ट से बना हुआ होते हैं, वॉल्केनिक
वाल करने से कूल होने से मिलते हैं दोस्तों। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में देखा है तो ओशनिक क्रस्ट का तो थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ओशनिक क्रस्ट तो नीचे होते हैं, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट होते हैं दोस्तों। फ्यू स्टेटमेंट्स मिला है दोस्तों वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ फ्लोटिंग ऑन ओशनिक क्रस्ट, ये तो सही ही होता है दोस्तों, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट तो नीचे होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो थोड़ा हायर में होते हैं दोस्तों। और दोनों का बीच में मिलते हैं हमें तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स का ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं दोस्तों। और इसके नीचे होता है लिथोस्फीयर, और इसके नीचे मिलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बारे में मैंने तो कह दिया, ये तो लिक्विड फ्लूइड फ्लोइंग है दोस्तों। और इसका नीचे होता है अपर मेंटल। अब हम देखते हैं क्रस्ट के बारे में, उसका सभी कंपोजिशन सभी डिटेल्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कहते हैं क्रस्ट, उसके तो दो तरह के होते हैं, वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट हैं दोस्तों। और अब कंपोजिशन के बारे में देखते हैं दोस्तों, वो तो सॉलिड रॉक से बना हुआ होता है अर्थ का क्रस्ट, ये तो लाइटर एलिमेंट से बनाया होता है दोस्तों। वो लाइटर एलिमेंट्स क्या हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, इस तरह के तीनों एलिमेंट से बना हुआ होते हैं अर्थ क्रस्ट। यहाँ देखो दोस्तों, सिलिका और एल्युमिनियम, मतलब सिलिका से SaO कहते हैं, एल्युमिनियम मतलब Al कहते हैं, इसलिए हमारा अर्थ क्रस्ट को कहते हैं सियाल, सियाल लेयर हैं दोस्तों अर्थ क्रस्ट। इसका अगला नेम भी है दोस्तों, दूसरा नेम वो तो वो फेल्सिक कहते हैं। और हम देखते हैं अर्थ का एलिमेंट्स कितना परसेंटेज से होते हैं, अर्थ का एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं हमें तो ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिलते हैं दोस्तों, उससे कम पड़ते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम, उसके कम, और आयरन इससे कम, और कैल्शियम इससे कम, ऐसा ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं दोस्तों। आपने UPSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ग्रुप वन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें तो इस तरह की क्वेश्चन में तो वैसे ही पूछते हैं, वो क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर फिर ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछते हैं दोस्तों, इसलिए आप तो इस एलिमेंट्स के बारे में तो जानना होता है दोस्तों। ऑक्सीजन तो ज़्यादा मिल रहे हैं फिर भी हमें तो ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, क्यों दोस्तों? एक बार सोच लो दोस्तों, हमारा क्रस्ट में ऑक्सीजन है वो भी गैसियस स्टेट में मिलते नहीं, वो तो मिक्सड स्टेट में, मतलब कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं दोस्तों। ऐसी तरह क्या कि फेरस ऑक्साइड, फिर ना है तो सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसी के कंपाउंड तरह से हमारे तो ऑक्सीजन मिलते हैं, क्योंकि वो तो रिएक्ट होके ही हमारा क्रस्ट में मिलते हैं। वो कंपाउंड्स के बारे में हमने एक बार देख लिया तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कंपाउंड होते हैं सिलिका कंपाउंड होते हैं दोस्तों, उससे कम तो एल्युमिनियम मिलते हैं, उसी से कम तो लाइम कंपाउंड मिलते हैं दोस्तों, वही सारा कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। अब हम अर्थ का लेयर्स के बारे में, नेक्स्ट लेयर में मेंटल के बारे में हम देखते हैं। मेंटल लेयर तो सब क्रस्ट के लेयर से नीचे होते हैं दोस्तों, और इसका कंपोजिशन के बारे में हमने एक बार देखना है तो वो तो सिलिकॉन होते हैं, फिर ऑक्सीजन होते हैं, फिर मैग्नीशियम होते हैं दोस्तों। यहाँ तो एक बार देख लो दोस्तों, क्रस्ट में तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिला है, अब यहाँ तो मेंटल में तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिला है, वहाँ तो सियाल कहते हैं, यहाँ मेंटल को कहते हैं सीमा, और इसका अगला दूसरा नाम है दोस्तों वो तो माफिक कहते हैं। और डेंसिटी ऑफ द मेंटल, तो मेंटल तो आप अंदर जाने से जाता रहते हैं तो उसका तो डेंसिटी बढ़ते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा प्रेशर मिलते हैं ना, इसलिए वो इनर कंपोनेंट्स भी ज़्यादा डेंस मिलते हैं दोस्तों। और अब देखते हैं डिफरेंट लेयर्स के बारे में, मेंटल को भी थोड़ी सी डिविजन्स होते हैं उसका बारे में हम देखते हैं। अपर मेंटल, अपर मेंटल तो सॉलिड बेस हैं दोस्तों, वो भी क्रस्ट के नीचे होते हैं, वो तो बढ़िया हैवी रॉक से बना हुआ होते हैं, वो रॉक कहते हैं पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट रॉक का नाम से हम कब बुलाते हैं दोस्तों। और अपर एस्थेनोस्फीयर बनाया है, और एस्थेनोस्फीयर देखिए अपर मेंटल के नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के बारे में जाना तो ये तो फ्लूइड मैंने कह दिया, हाई प्रेशर होते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव होता है ना, इसका मूवमेंट के लिए तो एस्थेनोस्फीयर ही काम करते हैं दोस्तों। और एक जानना है दोस्तों, अब सभी सॉलिड स्टेट में हैं, बीच में बीच तो ये एस्थेनोस्फीयर क्यों लिक्विड आ गया, इसके बारे में सोचना है तो ये तो रेडियो एक्टिव के रीज़न है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी तो चलते रहते हैं इस एस्थेनोस्फीयर में, इसीलिए हमारा एस्थेनोस्फीयर मिलते हैं लिक्विड स्टेट में। और मेंटल होता है उसका नीचे है दोस्तों, और इसके बारे में जानना है तो एक बार देखो दोस्तों, कन्वेक्शनल करंट एस्थेनोस्फीयर में चलता रहता है, इसीलिए ऐसा मूवमेंट्स होते रहते हैं दोस्तों, इसी कन्वेक्शन करंट से हमें तो लावा मिलते हैं, फिर ना है तो कन्वर्जेंस बाउंड्री मिलते हैं, फिर ना है तो डाइवर्जेंस बाउंड्री मिलते हैं, वो सब जानना है तो आप तो टेक्निक जानना होता है, अर्थक्वेक के बारे में जानना होता है। हम तो अगला आने वाला क्लासेस में तो उसके बारे में ठीक से मैं तो आपके लिए
कहता हूँ। फिर इसके तो एक कॉन्सेप्ट तो आप याद रखो, यहाँ तो मेंटल में कन्वेक्शन करंट का फ्लो होते हैं कि वो भी एस्ट्रोनोस्फीयर में, वो इसी से हमें तो वॉल्केनोज़ से भी मिलते हैं दोस्तों। हम तो सोचते हैं और हमारा वॉल्केनो कहाँ से आ जाता है, हमारा वॉल्केनो सभी एस्ट्रोनोस्फीयर से आते हैं दोस्तों, वो तो इनर कोर से आते नहीं। और अब हम और एक जानना है दोस्तों, क्रस्ट, पहला लेयर तो क्रस्ट कहते हैं, उसका नीचे होता है अपर मेंटल, ये दोनों लेयर को जुड़वा के कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का नीचे होते हैं एस्ट्रोनोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर का नीचे होते हैं लोअर मेंटल। यही आपका डिविशन है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज होने के लिए कोई रास्ते नहीं, आप ठीक से याद रखो। और आप देखते हैं कोर के बारे में, कोर मतलब क्या है, अर्थ को सब डिवाइड होते हैं दोस्तों। आप तो स्किन की तरह अर्थ को पील कर दिया तो ऐसा शेप्स होते हैं दोस्तों, यही तो ऊपर का टॉप लेयर कहते हैं क्रस्ट, उससे नीचे लेयर कहते हैं वो तो मेंटल, उससे नीचे इनर का इनर नहीं आउटर कोर, और उससे अंदर मिलते हैं इनर कोर। अब कोर के बारे में हमने जानना है तो वो तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है दोस्तों। इसका कंपोजिशन के बारे में जानना है तो ये तो सॉलिड आयरन और निकल से बनवाया है, इसे कहते हैं निफे कहते हैं दोस्तों। और लेयर्स के बारे में देखना है तो वो तो आउटर कोर और इनर कोर दोस्तों। आउटर कोर तो मोल्टन स्टेज में रहते हैं, इनर कोर तो सॉलिड स्टेट, इसके बारे में तो मैंने कह दिया क्यों इनर स्टेट तो सॉलिड हैं, वो तो हाई प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो वो तो सॉलिड से लिक्विड होने के लिए इससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहते हैं दोस्तों, इसीलिए इनर कोर तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में जानने के पहले मैं एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों। हमने और सभी प्रपंच में वर्ल्ड में अर्थ का क्या डिविशन्स किया है, कॉन्टिनेंट डिविशन्स किया है, डिफरेंट स्टेट कंट्रीज़ डिवाइड किया है, कंट्रीज़ डिवाइड किया है तो इसके बीच में तो हम तो बॉर्डर लाइन ड्रा करते हैं दोस्तों। उसी तरह हमें तो मिल गया है अर्थ का इंटीरियर्स, अर्थ का इंटीरियर डिविजन तो हमें पता हो गया, और इसका बीच में हम तो बॉर्डर डालना है, उस बॉर्डर्स को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज़। वो होते हैं कुनार्ड, मोहो डिस्कनिटी, रेपेटेड डिस्कनिटी, गुटनबर्ग डिस्कनिटी, फिर होता है लेहमन डिस्कंटिन्यूटी, उसके बारे में हम देखते हैं। आपके तो लिथोस्फीयर का बारे में मैंने कह दिया, और एस्ट्रोनोस्फीयर होते हैं, इसका नीचे होता है मेंटल, मेंटल रीजन को हम कहते हैं मीसोस्फीयर। उसी तरह की कोर को हम कहते हैं, पूरा इनर और आउटर कोर को मिलकर हम कहते हैं बैरिस्फीयर हैं दोस्तों, इसलिए इसके बारे में तो आप तो याद रहते हैं दोस्तों। फिर देखते हैं कोनार्ड डिस्कनेटी, कोनार्ड डिस्कनेटी मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों का बीच में का बॉर्डर कहते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। इसका नाम दिया है विक्टर कोनार्ड ने। और मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी मतलब ये तो क्रस्ट और एस्ट्रोनोस्फीयर का बीचों बीच का बॉर्डर का कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इसको तो नाम लिखा हुआ है वो भी साइंटिस्ट एंड्रिजा मोहरोविक से। और अब देखते हैं इसका डेप्थ कहाँ कहाँ से है, इसका मोहो डिस्कंटिन्यूटी का डेप्थ डिफरेंट होता है दोस्तों, क्योंकि कॉन्टिनेंट में तो 20 माइल्स में मिलते हैं और ओशंस में तो 4 और 6 माइल्स में इस डिस्कंटिन्यूटी मिलते हैं दोस्तों। रेपेटेड डिस्कंटिन्यूटी मतलब उसके बारे में जानना है तो वो तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल का बीच का बॉर्डर कहते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मतलब वो तो लोअर मेंटल और कोर के बीच का बीच बॉर्डर को कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही आउटर कोर और इनर कोर का बीच का बॉर्डर को कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। आपको अब सभी डिसकंटिन्यूटीज बॉर्डर्स के बारे में अब तो पता हो गया है दोस्तों। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम एक बार देखते हैं, लिथोस्फीयर मतलब क्या है, वो तो क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलकर हम कहते हैं लिथोस्फीयर। उसका तो दो डिविजन्स होते हैं, ओशन लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है दोस्तों। इसका थिकनेस को तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस तो ज़्यादा होता है ओशनिक क्रस्ट से। एक बार देखो है दोस्तों, कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट का थिकनेस तो इतना होता है और ओशनिक क्रस्ट का थिकनेस तो इतना ही होता है, क्योंकि वो सो कम होता है दोस्तों, और थिकनेस तो ज़्यादा है ये तो कॉन्टिनेंटल है दोस्तों, ये तो ओशनिक है दोस्तों। थिकनेस तो कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, और डेंसिटी को आपने कंपेयर किया तो ओशनिक क्रस्ट तो ज़्यादा डेंस होता है दोस्तों, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो कम डेंस मिलते हैं। ये तो आप तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका बोथ का डिविजन तो आप जाना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में तो इसका बारे में आपने लिख लिया तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं दोस्तों। मैं तो उसको स्पेशली मैंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ ना होना है, इसलिए आप तो सीखने के समय ही ठीक से डिवाइड करके सीख लो दोस्तों। और उसी ही तरह मास और वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया तो सबसे लार्जेस्ट क्या है, मेंटल तो सबसे लार्जेस्ट है दोस्तों, उसका कम होता है क्रस्ट और उससे कम होता है कोर।
वो तीनों का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया तो मेंटल क्रस्ट कोर मास फिर ना तो वॉल्यूम में, और असेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो ये तो रिवर्स में लिख ले रहे हैं दोस्तों, वो भी कोर क्रस्ट मेंटल तरह की आप लिख सकते हैं। और अर्थ का डेंसिटी तो बढ़ता रहता है, आपने क्रस्ट से कोर तक चलते रहते हैं तो आप अर्थ का अंदर चलते 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 समय तो अर्थ का डेंसिटी ज़्यादा होता रहता है दोस्तों, वही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। आज का क्लास तो इससे बस है दोस्तों, दूसरा क्लास में तो मैं तो सीस्मिक एक्टिविटी के बारे में सभी डिटेल्स मैं आपके लिए देता हूँ दोस्तों। आज ये तो हमारा SPV एजुकेशन वर्ल्ड है, टुगेदर वी क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड है दोस्तों। मैं हूँ SP रोजन, आपके लिए इंडिया का पहला चैनल है। इसमें तो मैं तेलुगु तमिल हिंदी इंग्लिश की तरह सभी 4 लैंग्वेजेस में क्लासेस ले रहा हूँ दोस्तों, वो भी SP एजुकेशन वर्ल्ड से। हमारा प्लेलिस्ट में जाकर आपका कुछ टॉपिक मिलना चाहिए तो वो टॉपिक आप सीख सकते हैं दोस्तों, आपने सपोर्ट कर दिया तो। मैं भी एक रूरल का स्टूडेंट हूँ दोस्तों, रूरल से मैं ही पढ़ा हूँ, सभी में तो अर्बन लाइफ से अकोमोडेट ही नहीं है दोस्तों। और रूरल स्टूडेंट मतलब उसका डिफिकल्टी क्या है, उसे सीखने के लिए क्या क्या कठिन होता है उसके बारे में मेरे को पता है दोस्तों, इसीलिए मैंने तो इस तरह का इनिशिएटिव लेकर स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ दोस्तों। आप भी इस इनिशिएटिव में पार्ट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पहला तो सब्सक्राइब करो, फिर आपका फ्रेंड्स फैमिली कोई ना है तो उसको तो पता दो, क्योंकि हम तो एजुकेशन कर दे रहा हूँ दोस्तों, उससे मनी भी ले नहीं रहा हूँ। आप तो थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट तो कर सकते हैं और आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूटेशन भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे मैं तो टीम बनवा के ज़्यादा लोगों के लिए हेल्प करने के लिए मेरा इनिशिएटिव ज़्यादा लोग के तो पहुँच सकते हैं दोस्तों। मैं तो सीट को प्लांट किया, उसको तो बढ़िया प्लांट बनना है तो आपकी सपोर्ट से ही बन सकते हैं दोस्तों। अगर सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया सभी लोगों के लिए तो ज़्यादा थैंक्स हैं दोस्तों। बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ SP राजन अलियास SPR।